वेलकम ऑल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम ऑल टू IFS यूट्यूब चैनल। गुड आफ्टरनून अश्वनी। सो जैसा कि IFS आपके लिए हर एक स्टेट के सेट एग्जामिनेशंस के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन सेशंस लाता रहता है, वैसे ही इस वीक हम वेस्ट बंगाल सेट के 2020 पेपर के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करिए। और देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आवाज नहीं आ रही है? आवाज ओके, वॉइस इज लो, वॉइस लो है। यस, वॉइस लो है। अभी आवाज आ रही है ठीक से? गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून उर्मिला, अनिंदिता, पिंकी। ओके, गुड आफ्टरनून संतु। आई होप अभी आवाज ठीक से आ रही होगी। एम आई ऑडिबल राइट नाउ? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस, ओके, फाइन। सो हम स्टार्ट करते हैं वेस्ट बंगाल सेट के 2020 पेपर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, हो गया सर। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप भी हमारे साथ आंसर दीजिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिपिड राफ्ट। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की यहां पे बात की गई है, तो व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? यस, लिपिड राफ्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन माइक्रोडोमेन्स, लिपिड राफ्ट्स आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स, लिपिड राफ्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द इंपॉर्टेंट सेल्युलर प्रोसेसेस इंक्लूडिंग एंडोसाइटोसिस, सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग, या फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर टोटली एब्सेंट इन द लिपिड राफ्ट रीजियंस। सो व्हाट विल बी द आंसर? यस, लिपिड राफ्ट्स के जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है कौन सा इनकरेक्ट है लिपिड ड्राफ्ट्स के लिए? कैन एनीवन टेल? ओके, शुभम बोल रहा है डी, फाइन। सो आप आपको अगर पता हो, यस करेक्ट एवरीवन, डी सही है। बहुत ही ये बेसिक सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि यहां पे लिपिड राफ्ट्स आर प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल स्फिंगोलिपिड्स, ये बात सही है। दे आर मेम्ब्रेन माइक्रोडोमेन्स, राइट, एक एग्रीगेट होता है। बट यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है आप देख सकते हो, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर टोटली एब्सेंट इन द लिपिड राफ्ट रीजियंस, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। दे आर नॉट टोटली एब्सेंट, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि देर आर certain protein present in the lipid raft region also, there are certain transmembrane proteins present, right? So which is the incorrect statement pucha hai, to answer will be D, everyone. Yes, correct. Next question, why are the haploid plants induced through pollen culture technique suited for mutation research? Yes, bataiye kya rahega iska answer? Yes. Why are the haploid plants induced through pollen culture technique suited for mutation research? सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं कि convenient haploid plant की induction या haploid का diploidy करने से यहाँ पे क्या ज्यादा effect होता है, right? या हम बोल सकते हैं कि इतना क्यों convenient होता है mutation research के लिए? So they have short lifespan? No, that is not the point. They possess lesser number of chromosomes in somatic cells. लेसर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने की वजह से म्यूटेशन रिसर्च करना या कन्वीनियंस होना वो कोई मैटर नहीं करता।
they allow immediate expression of recessive mutations, that is correct, and they are obtained in high number. So ये भी गलत है, right? They allow immediate expression of recessive mutations. तो अगर मान के चलो कि कोई haploid plant है, right? अगर कोई haploid plant है, if this is the particular genotype of the parent, और उसका pollen culture करवाया या हम बोल सकते हैं anther culture करवाया, so we can say that the pollen will be either carrying the capital A gene or the recessive gene, right? It will carry the either the dominant or recessive gene. और अगर recessive gene carry कर रहा है तो उसको जब हम diploidy बनाएंगे तो therefore they allow immediate expression of recessive mutations. So यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि recessive mutations जब वो haploidy की हम diploidy में convert करेंगे तो we will be able to obtain quickly the particular recessive mutants, okay? So इसलिए answer क्या आएगा? They allow immediate expression of recessive mutations. Fine? Why? Because they are segregated और हमेशा हमें homozygous particularly मिलेगा. Okay? Right. So next question हम देखते हैं. सभी को क्या sound में problem आ रहा है? I hope so. Sound is okay. Right? अगर problem आ रहा है तो आप comment में टाइप करिए, ओके? नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ. टेट्राजोलियम टेस्ट इन पोलन वायबिलिटी इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स. टेट्राजोलियम टेस्ट जो है, जो सीड वायबिलिटी या पोलन वायबिलिटी के लिए होता है, इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स. कौन सा एंजाइम यहाँ पे टेट्राजोलियम टेस्ट में यूज होता है? तो आपको पता होगा कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेजिन रेड कलर का एक कंपाउंड बनता है, कलरलेस रेड कलर का कंपाउंड बनता है. तो दैट इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ व्हाट? यस, करेक्ट शुभम, करेक्ट अनिंदिता, उर्मिला, सही है. आंसर इज बी, दैट इज डीहाइड्रोजनेस. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कलरलेस कंपाउंड जो है ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ये ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड को कन्वर्ट करता है, डीहाइड्रोजनेस कन्वर्ट करता है रेड कलर फॉर्मेशन में, राइट? And therefore the answer will be what? Dehydrogenase. So ये जो tetrazolium test seed viability, pollen viability या even sometimes protoplast viability के लिए भी use होता है, okay? देखो ये question है कि ये आपको मतलब याद ही रखना है. कुछ ऐसे botany से related question या plant pathology से ऐसे related question आते हैं या इवन माइक्रोबायोलॉजी से, कि जो आपको बस आपकी मेमोरी ही टेस्ट करेंगे. जैसे रेड रस्ट ऑफ टी अ कॉमन डिजीज इज कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग. तो बस ये आपको याद रखना है, दैट इज सेफेल्यूरोस वायरसेंस. ओके, सेफेल्यूरोस वायरसेंस. सो रेड रस्ट ऑफ टी अ कॉमन डिजीज इज कॉज्ड बाय सेफेल्यूरोस वायरसेंस. तो यहाँ पे एज सच कोई लॉजिक नहीं है. इट्स लाइक के आपको एक पर्टिकुलर लिस्ट होगी कि इतना हम बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं डिजीज है उसके रिगार्डिंग ये पैथोजेंस है. ठीक है, ये पैथोजन के नाम है. नेक्स्ट देखो, ये भी एक इजी क्वेश्चन है. सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कन्वर्ट सक्सिनेट टू फ्यूमरेट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मेलोनेट इज एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर. यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की यहाँ पे बात हो रही है. सो व्हाट विल बी द आंसर? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के टाइम क्या होता है? बोथ Km एंड Vmax इंक्रीजेस, बोथ Km एंड Vmax डिक्रीजेस, बोथ वी कैन से Km इंक्रीज एंड Vmax रिमेंस अनचेंज्ड, या फिर Km इंक्रीज एंड Vmax डिक्रीजेस. व्हाट विल बी द आंसर हियर? राइट, बोथ Km एंड Vmax इंक्रीज होता है या फिर Km एंड Vmax दोनों डिक्रीज होंगे. Km इंक्रीज होगा, Vmax रिमेंस अनचेंज्ड, या फिर Km इंक्रीज होगा एंड Vmax डिक्रीज. क्या होगा? यस, फाइव का आंसर सी इज करेक्ट. एब्सोल्युटली यस, वेरी गुड, सी सही है. यहाँ पे आप देखो, पर्टिकुलरली जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के टाइम वीमैक्स में एज सच कोई चेंज नहीं आता. एज यू कैन सी इन दिस एल बी प्लॉट, वीमैक्स में कोई चेंज नहीं आएगा. बट ड्यू टू कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन व्हाट हैपेंस? वन बाई के एम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? के एम इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे 1 बाई के एम की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है. इसका मतलब क्या हुआ? के एम इंक्रीज हो रहा है. ये एल बी प्लॉट है,
मतलब कि डबल इनवर्स प्लॉट है, ये एमएम के प्लॉट के हिसाब से नहीं है. ओके, सो के एम व्हाट इट विल डू, के एम विल इंक्रीज. व्हाट डज दिस मीन, दैट 1/KM विल डिक्रीज, के एम विल इंक्रीज एंड देयर फोर द वीमेक्स विल रिमेन अनचेंज. ओके, एंड वीमेक्स विल रिमेन अनचेंज. अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पे एक और क्वेश्चन पूछा है. इन एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बाय एन इनहिबिटर इज मीडिएटेड व्हेन इट. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कब होता है, जब एक एंजाइम और सब्सट्रेट का रिएक्शन या एंजाइम सब्सट्रेट सॉल्यूशन में जब हम कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डालते हैं, तो एग्जैक्टली वो कौन सा प्रोसेस करेगा. इट बाइंड्स एट सेवरल साइट्स ऑफ एन एंजाइम, इट बाइंड्स रिवर्सिबली एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, इट बाइंड्स ओनली टू द ES कॉम्प्लेक्स, या फिर इट बाइंड्स कोवलेंटली टू द एंजाइम. राइट, देखो इट विल नॉट बाइंड कोवलेंटली टू द एंजाइम, क्योंकि कोवलेंट इंटरेक्शन मतलब इरिवर्सिबल होता है, या हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली वो इरिवर्सिबल होता है, यहाँ पे रिवर्सिबली बाइंड होगा. सो सिक्स का आंसर क्या होगा, इट विल नॉट बाइंड एट सेवरल साइट्स ऑफ एन एंजाइम. नो, इट विल बाइंड एट स्पेसिफिकली द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम. ओके, इट विल बाइंड रिवर्सिबली एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. जब भी कोई पर्टिकुलर इनहिबिटर अगर एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहा है, मतलब कि वो सब्सट्रेट की जगह, जो सब्सट्रेट जहाँ पे बाइंड करना चाहिए एंजाइम को, उसकी जगह पे कोई पर्टिकुलर इनहिबिटर आके बाइंड कर रहा है, तब जाके KM क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा, मतलब कि उसकी एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एंजाइम सब्सट्रेट की. सो देयरफॉर बाइंड्स रिवर्सिबली एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, राइट, सो यस एवरीवन, सिक्स का आंसर भी है. राइट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिक्स का आंसर बी है. देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक मेटाबॉलिज्म का ये क्वेश्चन है. वेयर डज एमिनो एसिड कैटाबॉलिज्म प्रीडोमिनेंटली ऑकर, क्या होगा एमिनो एसिड कैटाबॉलिज्म की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है. तो एमिनो एसिड कैटाबॉलिज्म की वजह से यूरिया प्रोड्यूस होता है. राइट, नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, अगर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होगा तो फिर पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं कि वो किडनी के थ्रू फिल्टर आउट होगा, बट वो बनता कहाँ पे है. यस, वेयर डज एमिनो एसिड कैटाबॉलिज्म प्रीडोमिनेंटली अकर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. राइट, सेवन का आंसर क्या आएगा. यस करेक्ट उर्मिला, शुभम, अनिंदिता, चित्रा, यस एवरीवन करेक्ट, सुलग्ना, अश्वनी, तरन्नुम, स्नेहल, अरुणिमा, तुलिका, सभी सही आंसर है. लीवर इज द आंसर. राइट, आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा कुछ है भी इतना समझाने का, क्योंकि ये बेसिक मेटाबॉलिज्म का क्वेश्चन होता है. ओके, देखो ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है. द फुल फॉर्म ऑफ मॉल्ट इज, जो मॉल्ट और गॉल्ट रहते हैं वो क्या रहेगा, म्यूकोसा अटैच्ड लिम्फॉइड टिश्यू, या फिर म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, या फिर म्यूकोसा एक्वायर्ड, या म्यूकोसा ऑल्टर्ड लिम्फॉइड टिश्यू, व्हाट विल बी द आंसर. मॉल्ट जो है, माल्ट या मॉल्ट जो हम बोलते हैं, वो पर्टिकुलरली क्या रहेगा, ये वो एक हम बोल सकते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आता है. राइट, माल्ट, गाल्ट, या फिर स्प्लीन या लिम्फ नोड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. एट का आंसर क्या है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. राइट, कंपेरेटिवली ये इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप देखिए, द लार्ज ग्रेन्यूलर बोन मेरो डिराइव्ड नॉन फेगोसाइटिक लिम्फोसाइट्स कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड किलिंग वायरली इन्फेक्टेड एंड नियोप्लास्टिक सेल्स आर. तो इसका आंसर क्या आएगा. देखो नॉन फेगोसाइटिक पूछा है तो डेंड्राइटिक तो हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, ऑब्वियस सी बात है, नॉन फेगोसाइटिक पूछा है तो डेंड्राइटिक नहीं आएगा. एंड उसके साथ साथ किलिंग वायरल इन्फेक्टेड एंड नियोप्लास्टिक, तो हेल्पर टी सेल्स भी नहीं आएंगे. तो एनके सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में क्या आएगा, एनके सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में. यस, तो टीसी सेल क्यों नहीं रहेगा, साइटोटॉक्सिक जो भी बी बोल रहे हैं वो साइटोटॉक्सिक टी सेल क्यों नहीं रहेगा. क्या आपका लॉजिक है कि एनके सेल्स आंसर रहेंगे और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आंसर नहीं रहेगा, वो भी तो किल करता है वायरल इन्फेक्टेड एंड नियोब्लास्टिक सेल्स को. यस, क्या रहेगा, एनके सेल्स पर्टिकुलरली क्यों रहेंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्यों नहीं रहेंगे, बोलिए. देखो दोनों का फंक्शन सेम ही है. राइट, एनके सेल्स एंड टीसी सेल्स का. यस,
नॉन फेगोसाइटिक पूछा है, टीसी सेल भी नॉन फेगोसाइटिक ही है। टीसी सेल फेगोसाइटोसिस करता है क्या? यस, लार्ज ग्रेनुलर बोन मेरो डिराइव्ड नॉन फेगोसाइटिक लिम्फोसाइट्स कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड किलिंग। देखो, बोन मेरो डिराइव्ड तो दोनों रहेंगे, एनके सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स दोनों रहेंगे, ठीक है, बोन मेरो डिराइव्ड। बट यहाँ पे लार्ज ग्रेन्यूल्स की बात करें तो कंपेयर टू द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, कंपेयर टू द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, एनके सेल्स के पास लार्ज ग्रेन्यूल्स होते हैं। दे आर केमिकली मीडिएटेड, जो ग्रेंजाइम्स एंड परफोरिंस है उनका इफेक्टर मैकेनिज्म्स ज़्यादा डिपेंड होता है उनके ग्रेन्यूल्स पे। तो लार्ज ग्रेनुलर की यहाँ पे बात है तो एनके सेल्स आएंगे, बाकी आप सभी पॉइंट्स कॉमन रहेंगे। इनफैक्ट वो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को भी किल करते हैं, वो नियोप्लास्टिक सेल्स को भी किल करता है, ठीक है। बट बिकॉज एनके सेल्स हैव वन एक्स्ट्रा, हम बोल सकते हैं पॉइंट या कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज दे हैव लार्ज ग्रेन्यूल्स कंपेयर टू द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। फाइन, सो एनके सेल्स इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी है। इच इंडिविजुअल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ऑफ द वेरिएबल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी इज रिफर्ड टू एज, ठीक है, इच इंडिविजुअल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ऑफ द वेरिएबल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी इज रिफर्ड टू एज। तो अगर यहाँ पे इच इंडिविजुअल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, तो टेक्निकली आंसर आना चाहिए इडियोटोप, बट ऑल्दो ऑफिशियल आंसर की में पैराटोप दिया हुआ है, टेक्निकली इसका आंसर आना चाहिए इडियोटोप। देखो यहाँ पे एंटीबॉडी के ऊपर तीन हमें चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। एक तो होता है पैराटोप, पैराटोप इज द रीजन विच इंटरेक्ट्स विथ एपिटोप। फिर पूरा जो एक इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्री डिटर्मिनेंट रीजन या CDR जो है उसको हम बोलते हैं इडियोटोप, और सभी CDR को मिला के हम बोलते हैं इडियोटाइप, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकली आना चाहिए इडियोटोप, ऑल्दो ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है पैराटोप। ओके, सो क्वेश्चन वाज, मतलब कि क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था कि ईच इंडिविजुअल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ऑफ द वेरिएबल रीजन जो कि एपिटोप के साथ या फिर एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करता है वो, तो जो पर्टिकुलर रीजन जो एपिटोप या एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा उसको हम पैराटोप बोलेंगे। देर इज इंटरेक्शन बिटवीन एपिटोप एंड पैराटोप। एक कॉम्प्लीमेंट्री डिटर्मिनिंग रीजन को हम या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट को हम बोलेंगे इडियोटोप, वेर एज जो भी तीन CDRs है तीनों को मिला के हम इडियोटाइप बोलेंगे, ठीक है। सो आंसर शुड बी, या हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अस इट शुड बी इडियोटोप, बट ऑफिशियल आंसर की में पैराटोप दिया हुआ है। ओके, पैराटोप इज द आंसर। ओके, देखो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इन्वॉल्व द न्यूमेरिकल इवेल्युएशन ऑफ द सिमिलैरिटी बिटवीन टेक्सोनॉमिक यूनिट्स एंड ऑर्डरिंग ऑफ दिस यूनिट्स इनटू टेक्सा ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिमिलैरिटी वाज कॉइंड बाय। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो रहती है वो टर्म किसने कॉइन किया, या हम बोल सकते हैं कि उसके ऊपर किसने वर्क किया था। डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है सोकालेन स्निथ। ओके, इसका आंसर आएगा सोकालेन स्निथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक माइक्रोबायोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपकी मेमोरी ही टेस्ट करेगा। आपको पर्टिकुलरली पैथोजेंस या जो भी बैक्टीरिया एंड वायरसेस है और उसके रिगार्डिंग, खास करके मेनली वायरसेस के रिगार्डिंग, उनका जीनोम कैसा होता है, या HIV का जीनोम कैसा होगा, HIV वायरस का, या फिर रोटा वायरस का कैसा होगा, कोरोना वायरस का कैसा नेचर होगा जीनोम का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको वो टेबल भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो द जीनोम ऑफ रोटा वायरस कंजिस्ट ऑफ वॉट? इट कंजिस्ट ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड RNA, राइट, इट कंजिस्ट ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रोटा वायरस का पर्टिकुलरली जीनोम है, इट कंजिस्ट ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड RNA, राइट। सो
ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आप मान के चलो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो रहेंगे माइक्रोबायोलॉजी से, राइट, या इवन जो आपकी मेमोरी टेस्ट करते हैं वो क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो आपको पता ही है, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि एक क्वेश्चन कहाँ से आता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से आता है, कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो क्लीवेज पैटर्न्स होती है वो कैसी होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली करने ही रहेंगे या प्रिपेयर करने ही रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखिए, यस 12 का डी सही है, 12 का डबल स्टैंडर्ड आरएनए आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 13, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स विद हायर प्लांट्स ऑफन रिजल्ट इन नोड्यूल फॉर्मेशन। वो नोड्यूल फॉर्मेशन यूजुअली होता है, राइट, जो भी एसोसिएशन या सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन रिप्रेजेंट्स एन एक्सेप्शन पूछा है, मतलब कि यहाँ पे ये बोला है कि भाई कौन सा सिम्बायोटिक एसोसिएशन नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं करता है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन सा सिम्बायोटिक एसोसिएशन नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स रहेंगे, एक पर्टिकुलर प्लांट रहेगा, बट वो नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं करता है। व्हाट विल बी द आंसर? यस 13 का क्या आंसर रहेगा? अब देखो, फ्रेंकिया राइजोबियम पूछा है, तो तीनों जो है, या हम बोल सकते हैं फ्रेंकिया राइजोबियम, दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग द रूट नोड्यूल्स, ठीक है। वेरेज एनाबिना कहाँ पे पाया जाता है? एक्सेप्शन पूछा है, ठीक है, एक्सेप्शन पूछा है। यस एवरीवन करेक्ट, 13 का आएगा सी, एनाबिना कहाँ पे पाया जाता है? एजोला, जो है एजोला टेरिडोफाइट। एनाबिना विल बी फाइंड इन द लीफ पॉकेट्स, राइट, लीफ पॉकेट्स ऑफ एजोला। सो इसलिए वो नोड्यूल फॉर्म नहीं करता है, वो एक पर्टिकुलरली वहां पे एक फिलामेंटस जो बैक्टीरिया है वो लीफ में पाया जाता है, नोड्यूल फॉर्म नहीं करता है, बाकी के तीनों नोड्यूल फॉर्म करेंगे। सो ऐसे भी पर्टिकुलरली क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ओके, व्हेन ग्रोइंग ऑन अगर, मोस्ट मेंबर्स ऑफ विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फॉर्म कॉलोनीज विद फ्राइड एग अपीयरेंस, क्या रहेगा? फ्राइड एग अपीयरेंस, यस। व्हेन ग्रोइंग ऑन अगर, मोस्ट मेंबर्स ऑफ विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फॉर्म कॉलोनीज विथ फ्राइड एग अपियरेंस पूछा है। फ्राइड एग अपियरेंस वो कुछ एग जैसा या फ्राइड एग जैसा दिखेगा, या हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा दिखेगा जो आप डायग्राम में देख सकते हो, फ्राइड एग अपियरेंस। सो व्हाट विल बी द आंसर? यस 14 का, यस करेक्ट, शुभम, अनिंदिता, अश्वनी, करेक्ट। 14 का आएगा मॉलिक्यूल्स, जिसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, करेक्ट, जिसका जो जीनस होता है, ये मॉलिक्यूल्स क्लास के जो जीनस है माइकोप्लाज्मा, जिनके पास सेल वॉल नहीं होता है। सो आंसर इज व्हाट? आंसर इज मॉलिक्यूल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईली रिपीटेटिव डीएनए सिक्वेंसेज आर नॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड इन यूकेरियोटिक क्रोमोजोम नियर। 14 का डी सही है, 15 का बताइए, हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस आर नॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड इन यूकेरियोटिक क्रोमोसोम्स नियर, क्या आएगा? हाईली रिपीटेटिव डीएनए पूछा है, तो यूक्रोमेटिक रीजन आएगा? नहीं, यूक्रोमेटिक रीजन तो एक्चुअली जीन्स, उसमें ज्यादा जीन्स प्रेजेंट होते हैं, रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रोमेरिक रीजन क्या है? सेंट्रोमेरिक रीजन में आएगा, तो यस सेंट्रोमेरिक रीजन में होगा। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन जो होता है वो ऐसे पर्टिकुलर रीजन है कि जो एक्चुअली न्यूक्लियस बनाने में हेल्प करते हैं, न्यूक्लियोलस बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब कि आर आरएनए को एनकोड करेंगे वो, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, वहां पे रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड बोथ यूकेरियोट, क्योंकि यूक्रोमेटिक रीजन को हमने पर्टिकुलरली एलिमिनेट कर दिया है, तो डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर इज वॉट? सेंट्रोमेरिक रीजन के अराउंड रहेगा हाईली रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है, सेंट्रोमेरिक रीजन के अराउंड, जहां पे जीन्स कम होंगे एंड रिपीटेटिव डीएनए ज्यादा होंगे, फाइन। नेक्स्ट देखो, ये भी एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी ड्रोसोफिला से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रोटीन्स रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीरियर स्ट्रक्चर इन द ड्रोसोफिला एम्ब्रियो। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में जो एंटीरियर स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कौन से पेयर ऑफ प्रोटीन्स चाहिए, तो आपको अगर पता हो बाइकॉइड, नैनोस, या फिर हंचबैक एंड कॉडल जो रहता है, तो यहाँ पे ये चीज़ अगर आपको पता हो
तो यू विल बी एबल टू गेट दिस राइट। क्या है आंसर 16 का? अजय बोल रहा है बी, शुभम भी बोल रहा है बी, अश्वनी भी एंड सुलग्ना तरन्नम देवलीना एवरीवन इज टेलिंग बी एंड यस बी इज करेक्ट। बाइकॉइड एंड हंचबैक रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलरली वी कैन से एंटीरियर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। सो आंसर क्या आएगा? बी बाइकॉइड एंड हंचबैक एवरीवन यस करेक्ट वेरी गुड। वेर इज पोस्टीरियर के लिए कॉडल एंड नैनोस। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे अगर आपको लगे कि चलो इतना डिटेल में हमने नहीं पढ़ा है शायद हमारे सेल बायोलॉजी के क्लास में या साइटोस्केलेटन के क्लास में, तो भी जब आप चारों ऑप्शन देखोगे तभी आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा चारों ऑप्शन जब देखोगे। इनफैक्ट ये पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन भी है कि उसी का आंसर यहाँ पे दिया गया है, ऐसा भी एक क्वेश्चन है। तो देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट एंगेज्ड इन एसोसिएशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स विथ टू डिस्क ड्यूरिंग सॉरी जेड डिस्क। दिस इज जेड डिस्क ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो क्या रहेगा आंसर? अल्फा एक्टिनिन, डेस्मिन, विमेंटिन या विन ब्लास्टिन? देखो चारों ऑप्शन आप देखो क्या रहेगा आंसर। मैंने वही हिंट दिया है कि आपको चारों ऑप्शन ध्यान से देखने हैं। अल्फा एक्टिनिन, डेस्मिन, विमेंटिन, विन ब्लास्टिन क्या है? विन ब्लास्टिन कोई आपको कुछ प्रोटीन लग रहा है कि भाई ये मसल कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करेगा या एसोसिएशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स में कुछ हेल्प करेगा। विन ब्लास्टिन या विन क्रिस्टिन आपने सुना होगा नाम, क्या है ये? एक पर्टिकुलर अल्कलॉइड है, ठीक है, पर्टिकुलर अल्कलॉइड है जो हम कैथेरेंथस रोजियस से लेते हैं। यहाँ पे इतने सेंटेंस में ही हमारे ये 25 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, हम बताते हैं कैसे। सो 17 का आंसर आएगा विन ब्लास्टिन। बाकी आपको पता भी ना होगा भाई अल्फा एक्टिनिन क्या करता है, डेस्मिन या विमेंटिन कैसा दिखता है, क्या करता है, किससे इंटरेक्ट करता है, बट आपने विन ब्लास्टिंग देख लिया तो आपको पता चलेगा कि इसको डेफिनेटली ये तो नहीं ही है। दैट इज अ थिंग। ये क्वेश्चन अगेन सेल बायोलॉजी और थोड़ा एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। ड्यूरिंग सिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो जब कार्डियक मसल सेल्स की बात, यस करेक्ट पूजा शुक्ला, यस तरन्नुम विन ब्लास्टिन इनहिबिटर है, करेक्ट। यस आई वाज सेइंग ड्यूरिंग सिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स, ठीक है, कार्डियक मसल सेल्स पूछा है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू व्हाट? इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू कार्डियक मसल सेल्स की यहां पे बात करते हैं हम, तब आता है गैप जंक्शन, ठीक है। गैप जंक्शन इज द आंसर जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स कार्डियक मसल्स में ट्रांसमिट होनी है। और अगर आपको याद हो कि साइनोविट्रियल नोड से वो पहुंचता है पर्टिकुलरली एवी नोड में, एवी नोड से फाइनली वो पर्किंजे फाइबर्स में वो पूरा स्प्रेड आउट होता है और फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो कार्डियक मसल्स है राइट मायोकार्डियम उसमें वो स्प्रेड आउट होगा। तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को स्प्रेड आउट होना है वो गैप जंक्शन के थ्रू पास ऑन होता है या ट्रांसमिट होता है, ठीक है। यस आंसर इज करेक्ट, 18 का ए आएगा। एवरीवन करेक्ट, 18 आंसर इज ए। देखो मैंने वही बोला था विन ब्लास्टिन नहीं है, मैंने इसलिए बोला था कि ये एक क्वेश्चन है कि जो हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही देखा विन ब्लास्टिन का, अब यहाँ पे क्वेश्चन ही दे दिया है विन ब्लास्टिन एन इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। अब क्वेश्चन नंबर 19 ही ऐसा दिया है तो क्वेश्चन नंबर 17 ऑटोमेटिकली सबको आ जाना चाहिए जब भी कोई पढ़ेगा कि अच्छा विन ब्लास्टिंग वर्ड तो कहीं पे मसल से तो कुछ रिलेट या मसल कॉन्ट्रैक्शन से तो कुछ रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो विन ब्लास्टिन इज एन इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स? तो आंसर इज व्हाट? कैथेरेंथस रोजियस राइट, जिसको पहले विंका रोजिया बोलते थे और नॉर्मली उसको हम पेरिविंकल बोलते हैं, पेरिविंकल यस करेक्ट, कैथेरेंथस रोजियस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, इवोल्यूशनरी चेंजेस इन वन स्पीसीज प्रॉम्प्ट करेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन अदर स्पीसीज विथ द फॉर्मर इंटरेक्ट्स इकोलॉजिकली सॉरी विच द फॉर्मर इंटरेक्ट्स इकोलॉजिकली दिस प्रोसेस इज नोन एज। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक पर्टिकुलर स्पीसीज में कुछ ना कुछ इवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहा है और दूसरी स्पीसीज जो एक्चुअली पहले से इंटरेक्ट कर रही है
उसमें भी कुछ ना कुछ इवोल्यूशनरी चेंजेस होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कोइवोल्यूशन। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारी इम्यूनिटी, राइट? या हमारी इम्यूनिटी के साथ साथ कोइवोल्यूशन हो रहा है पैथोजेंस का। पैथोजेंस पर्टिकुलरली स्ट्रांग हो रहा है, उसके डिपेंड या उसके अकॉर्डिंग हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो रही है कि अच्छा कोई पैथोजन आ रहा है, उसके अगेंस्ट एक अडेप्टिव इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी ने एक बार जैसे ही थोड़ा अपर हैंड ले लिया, तो वापस पैथोजेंस कोई नया मैकेनिज्म, उसको इवेड करने का कोई नया मैकेनिज्म ढूंढेंगे, राइट? मैक्रोफाजिस क्या है? मैक्रोफाजिस एक इफेक्टर सेल्स है हमारे इम्यून सिस्टम के। बट माइकोबैक्टीरियम ऐसा है कि जो मैक्रोफाज के अंदर भी जिंदा रहता है, राइट? दे हैव एक्चुअली इवॉल्व सच दैट दे कैन लिव इन दैट पर्टिकुलर इफेक्टर सेल्स, राइट? या इवन एचआईवी ले लो, जो खुद टीएच सेल्स में रहते हैं। तरनुम, हाँ सही है, फ्लावर और एक बर्ड, या हम बोल सकते हैं एक बर्ड एंड इट्स पर्टिकुलर इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई, राइट? अगर कोई पर्टिकुलर बटर इंसेक्ट जो है, बर्ड जो है, वो बटरफ्लाई को खा रहा है, तो बटरफ्लाई कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मिमिकिंग करेगा, ठीक है? और फिर वापस वो कुछ रिवर्स होगा, मिमिकिंग होगा। तो इट्स लाइक इवोल्यूशन, एक का इवोल्यूशन हो रहा है तो दूसरे का इवोल्यूशन भी हो रहा है, राइट? एंड वैसे ही पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं यहाँ पे आंसर, यहाँ इसका आएगा को इवोल्यूशन। ओके ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो पोरोगैमी रिफर्स टू व्हाट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। पर्टिकुलरली पोरोगैमी रिफर्स टू द फर्टिलाइजेशन इन विच पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू इंटेंगुमेंट। अगर इंटेंगुमेंट से एंटर होना होता तो उसको हम मेजोगैमी बोलते हैं, ठीक है? जब भी कोई ग्रोइंग पोलन ट्यूब है, ग्रोइंग पोलन ट्यूब जैसे ही उनको पहुंचना होता है एम्ब्रियो सेक तक, राइट? ओव्यूल के एम्ब्रियो सेक तक, तो वो ग्रोइंग पोलन ट्यूब तीन पर्टिकुलर रास्ता, तीन पर्टिकुलर पाथ होते हैं। या तो वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर होगा, या तो वो इंटेग्यूमेंट से एंटर होगा जिसको हम मेसोगेमी बोलेंगे, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर होगा इसको हम पोरोगेमी बोलेंगे, ठीक है? एंड अगर वो चलाजल एंड से एंटर हो रहा है तो उसको हम चलाजोगेमी बोलेंगे, ठीक है? राइट, सो आंसर इज व्हाट? फर्टिलाइजेशन इन विच पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, आंसर इज दैट पोरोगैमी, ठीक है? यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जो भी ग्रोइंग पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब एक्चुअली माइक्रोपाइल से फाइनली एंटर होगी, राइट? ओके, ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर फोर कंसिडरेबल मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस फॉर द गिवन पेडिग्री। ए बी सी डी पूछा है, एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो इन चारों में से ये जो पेडिग्री है, वो चारों में से कौन सी पेडिग्री यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पॉसिबल है या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? चारों में से कौन सी कंडीशन को वो रिप्रेजेंट कर सकती है? तो आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है ए एंड सी, ऑप्शन बी है बी एंड डी, ऑप्शन सी है सी एंड ऑप्शन डी है डी। तो पहले हम खुद देखते हैं कि अगर हमने डी को एलिमिनेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है? तो पहले हम डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन आप देखिए, अगर ऑटोसोमल रिसेसिव हम रखते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव रखते हैं, तो फिर क्या होता? इसका मतलब कि यहाँ पे दोनों रिसेसिव कंडीशन में है, ठीक है? मैं ए ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, चलो यहाँ पे फादर एंड मदर दोनों रिसेसिव कंडीशन में है क्योंकि वो इफेक्टेड है, राइट? वो इफेक्टेड है। अगर फादर एंड मदर दोनों इफेक्टेड होंगे तो डेफिनेटली सन एंड डॉटर जो रहेंगे वो इफेक्टेड होने ही है, क्योंकि अगर ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन ट्रू होती तो, ठीक है? ट्रू होती तो क्या ये ट्रू है? तो नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन ट्रू नहीं है। आप मैंने डी को पहले इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमने अगर डी को एलिमिनेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली हम ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट कर पाएंगे। तो डी ऑटोमेटिकली यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ये जो पेडिग्री है वो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन नहीं बता रही, क्यों? क्योंकि अगर फादर और मदर दोनों इफेक्टेड होंगे ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन से, तो सन एंड डॉटर डेफिनेटली होंगे, बट ये यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है पेडिग्री के डायग्राम में। सो बी एंड डी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए, बचा क्या? ए एंड सी या फिर सी। तो अब हम ए को देखते हैं, ए क्या है?
एक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्या एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए ये पेडिग्री पर्टिकुलर रिप्रेजेंट कर रही है, क्या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो आप देखिए, ये जो मदर है, मदर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है एंड फादर भी ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो फादर जो है उनके पास तो एक ही एक्स है, तो ऑब्वियसली एक एक्स में ही उनको पर्टिकुलरली चाहिए। तो अगर मदर या फादर दोनों अफेक्टेड रहेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉटर डेफिनेटली होनी चाहिए, डॉटर डेफिनेटली अफेक्टेड होनी चाहिए अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव सही होता तो, ठीक है? तो यहाँ पे ये सही नहीं है, तो देयरफॉर ए भी गलत है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं आएगा। आप देखिए, फादर एंड मदर बोथ आर अफेक्टेड, अगर फादर एंड मदर दोनों अफेक्टेड होते एक्स लिंक्ड रिसेसिव से, तो डॉटर डेफिनेटली होती एज वेल एज सन भी डेफिनेटली यहाँ पे होता, बट यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली ये भी एलिमिनेट हो गया। सो व्हाट विल बी द आंसर? ऑटोसोमल डोमिनेंट। सो यस, ऑटोसोमल डोमिनेंट आ सकता है कि अगर दोनों हेटरोजाइगस कंडीशन में हो तो, राइट? तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, हेटरोजाइगस या इवन हम बोल सकते हैं होमोजाइगस कंडीशन में भी हो तो भी पर्टिकुलरली यूजुअली हेटरोजाइगस में ही होना चाहिए। सो दिस इज द वन विच विल एक्चुअली बी सूटेड। ओके, सो आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये भी बेसिक क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। आपको ये पता होना चाहिए कि डीएमिनेशन ऑफ गुआनिन क्या करता है, राइट? डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन क्या करता है, या डीएमिनेशन ऑफ पर्टिकुलर एडिनिन क्या करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? ठीक है, सो यहां पे क्या होगा, क्या आंसर आएगा? डीएमिनेशन ऑफ गुआनिन विल प्रोड्यूस व्हाट? इट विल प्रोड्यूस जेंथिन, ठीक है? डीएमिनेशन ऑफ गुआनिन, या हम मोर स्पेसिफिकली बोले ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ गुआनिन, क्योंकि डीएमिनेशन एमिनो ग्रुप निकल रहा है बट उसकी जगह पे ऑक्सीजन आ रहा है। सो आंसर इज व्हाट? जेंथिन। ओके, मोर स्पेसिफिकली ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, राइट? सो गुआनिन का जो डीएमिनेशन है, इट विल लीड टू जेंथिन प्रोडक्शन और जेंथिन जनरेशन। ओके, देखो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है एनिमल फिजियोलॉजी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स डिसोसिएट द बाइकार्बोनेट आयन्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एन हाइड्रोक्सिल आयन इन द पल्मोनरी कैपिलरीज? क्या आएगा इसका आंसर? ओके ओके, 23 सभी ने बी बोला है, 23 का यस बी इज करेक्ट, जेंथिन। 24 का क्या आएगा? कौन सा एंजाइम है कि जो बाइकार्बोनेट आयन्स पर्टिकुलरली डिसोसिएट करता है? यस, ओके, नम्रता, जो पेडिग्री था वो अफेक्टेड ही हम मान के चलते हैं, ठीक है? थीके? क्योंकि वहां पे जस्ट पूरा डार्क नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरियर है, राइट? कैरियर अगर होता तो सिंबल शुड बी समथिंग लाइक दिस, और सिंबल शुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट? सो वी विल टेक दैट और कंसिडर देम एज द अफेक्टेड, नॉट द कैरियर, राइट? एंड इनफैक्ट मेल में तो कोई कैरियर का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, फीमेल में शायद कैरियर हो सकती है, मेल में तो कोई कैरियर का होगा नहीं, या तो वो मेल में या तो डिजीज होगी या तो नहीं होगी, तो हम अफेक्टेड मान के ही ये चल रहे हैं, ठीक है? ओके, 24 का आंसर डी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज द आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक्चुअली बाइकार्बोनेट आयंस को पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज OH माइनस, या हम बोल सकते वाटर में वो कन्वर्ट करता है। सो इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है? और वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। फाइन, ओके, लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है,
सो क्वेश्चन 1 से लेकर 25 में एक दो ही कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, बाकी सारे के सारे इजी क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। कंसिडर अ बैक्टीरियल सेल परफॉर्म्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इफ द बैक्टीरियल सेल हैड एक्सेस टू 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी विल बी प्रोड्यूस, क्या होगा? कंसिडर अ बैक्टीरियल सेल परफॉर्म्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलो एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हो रहा है। एंड इफ द बैक्टीरियल सेल हैड एक्सेस टू 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी विल बी प्रोड्यूस, क्या रहेगा आंसर? अगर 20 मॉलिक्यूल्स पूछा है, मोल या ऐसा कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया है, 20 मॉलिक्यूल्स है तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज दो पर्टिकुलर एटीपी में वो नेट यील्ड देता है, करेक्ट? तो 20 मॉलिक्यूल्स कितने में देगा? 40, 40 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। यहाँ पे मोल वर्ड या ऐसा कोई कुछ भी यूज नहीं किया है, आपको सिंपल सा ग्लाइकोलाइसिस या एनेरोबिक रेस्पिरेशन, भले वो एनेरोबिक हो या एरोबिक हो, नेट यील्ड एटीपी की 2 ही रहती है। एंड दैट इज व्हाट, सिर्फ फर्क इतना होगा एरोबिक में एनएडीएच भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या है, एनएडीएच प्रोड्यूस, एनेरोबिक में एनएडीएच प्रोड्यूस नहीं होगा, वो वापस यूज अप हो जाएगा। सो पर मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एटीपी जनरेट होता है, इसका मतलब अगर 20 मॉलिक्यूल्स होगा तो फाइनली 40 एटीपी जनरेट होंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये था, ओके? तो यहाँ पे हमने जो पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और आपने देखा कि ये कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है सारे, एक दो को छोड़ के, और वो भी इजी नहीं थे, थोड़े ही बहुत ट्रिकी थे, राइट? सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। कल वापस 2 बजे हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन 26 से लेके क्वेश्चन 50 तक, एंड देन फाइनली फिर बाद में लालजी सर आएंगे एंड देन दिगंबर सर कंक्लूड करेंगे, ठीक है, लास्ट 25 क्वेश्चंस को। सो थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, एंड ये जो वीडियो है, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जो भी सेट के लिए पर्टिकुलरली प्रिपेयर कर रहा है, ओके? ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।